हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग ट्रैफिक्स ऑन यूट्यूब चैनल। टेक न्यूज के एपिसोड 25 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपके सामने पेश है कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले न्यूज से। देखिए, पहली न्यूज आ रही है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों, Xiaomi ने अपना नया स्मार्टफोन Mi Play चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है। इंडिया के अंदर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 5.84 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। इसका जो इसका प्रोसेसर है वो है MediaTek Helio P35 जो प्रोसेसर होता है वो इसके अंदर यूज किया गया है। USB टाइप सी जो पोर्ट है वो इसके अंदर यूज किया गया है, तो ये काफी अच्छी बात है कि USB टाइप सी इन्होंने दिया है। 4GB की रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है। अगर हम बात करें कैमरे की तो पीछे की साइड में डुअल कैमरा है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का। सेल्फी के लिए इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। वाटर ड्रॉप वाली जो डिस्प्ले होती है, वाटर ड्रॉप नोच के स्टाइल वाली जो डिस्प्ले होती है वो इसके अंदर यूज की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैटरी की तो 3000 mAh की इसके अंदर बैटरी यूज की गई है। एंड्रॉइड ओरियो से पावर्ड है। इसके खुद के UI MIUI लेटेस्ट 10 के ऊपर ये काम करते हैं। तो Xiaomi की तरफ से एक नया स्मार्टफोन Mi Play। दोस्तों, मेरे सामने अगली न्यूज निकल के आती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने एक वेबकैम लॉन्च किया है विंडोज 10 और एक्सबॉक्स 1 के लिए। अब ये जो वेबकैम है ये USB टाइप सी जो पोर्ट होता है आजकल के जो लैपटॉप आ रहे हैं, या फिर हम बात करें एक्सबॉक्स 1 की, उसके अंदर USB टाइप सी जो उसके अंदर ये लगाया जाएगा। और उसके अंदर लगाने के बाद में आप इसके जरिए क्या कर सकते हैं, विंडोज का जो हेलो फीचर होता है, विंडोज हेलो जो फीचर होता है विंडोज 10 के अंदर या फिर एक्सबॉक्स 1 के अंदर, उसको आप यूज कर पाएंगे। यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन के काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ आप फेस से ही अपने विंडोज 10 वाले जो PC उनको अनलॉक कर पाएंगे। यानी कि जिस तरह से आप स्मार्टफोन को फेस से अनलॉक करते हैं, उसी तरीके से आप विंडोज को भी वेबकैम के जरिए फेस अनलॉक के फेस जो रिकॉग्निशन है उसके जरिए अनलॉक कर पाएंगे। तो काफी एक नया कंसेप्ट है विंडोज के लिए और एक्सबॉक्स 1 के लिए। दोस्तों, मेरे सामने अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों, सैमसंग के जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस, अगर इन दोनों में से अगर आप कोई स्मार्टफोन यूज करते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छी न्यूज है। सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस को मिल चुका है एंड्रॉइड पाई का अपडेट। ये जो एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिला है ये 1 UI बेस्ड है। यानी कि जो पहले जो यूजर इंटरफेस होता था इनका, जो कस्टम UI होती थी वो टचविज नाम से होती थी, लेकिन उन्होंने एक नई UI डेवलप की है जिसका नाम है 1 UI। तो S9 और S9 प्लस को ऑफिशियली एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिल चुका है, वो भी 1 UI के साथ में। अगर आप S9 S9 प्लस यूज करते हैं तो जल्दी से अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर लीजिए और नए फीचर को आपने S9 S9 प्लस के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। तो एक ये नया अपडेट मिला है S9 और S9 प्लस को। दोस्तों, मेरे सामने अगला अपडेट निकल के आता है दोस्तों प्ले स्टोर को लेके। दोस्तों, क्यूक हिल ने ये रिपोर्ट दी है। क्यूक हिल जो एंटीवायरस जो कंपनी है उसने ये बताया है कि प्ले स्टोर पे लगभग 50,000 ऐप हैं वो वायरस से डिफेक्टेड हैं, अफेक्टेड हैं। यानी कि जो 50,000 ऐप जो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं उसके सभी के अंदर वायरसेज हैं, वो आपके स्मार्टफोन से आपका डाटा चुरा रही हैं, या फिर हम बात करें किसी और पर्सनल लीक के बारे में तो इन सभी से आपके स्मार्टफोन को नुकसान पहुंचता है, आपके पर्सनल डाटा लीक होते हैं। तो क्यूक हिल ने रिपोर्ट दी है। अब ये रिपोर्ट सही है गलत है इसके ऊपर अभी खुलासा नहीं हुआ है। प्ले स्टोर इसके ऊपर जो गूगल है वो इसके ऊपर काम कर रहा है, चेक कर रहा है एप्लीकेशन को और बहुत सारी एप्लीकेशन को रिमूव कर रहा है। जैसे ही कोई एप्लीकेशन में पता चलता है कि ये एप्लीकेशन आपके पर्सनल डेटा लीक कर रही है या फिर आपके जो फोन है इसको खराब कर रही है, तो गूगल अपने प्ले स्टोर से काफी सारी ऐप को रिमूव ऑलरेडी कर चुका है और भी बहुत सारी ऐप को रिमूव कर रहा है। क्योंकि उन्होंने पूरे प्ले स्टोर को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद में उनको पता चला कि 50,000 जो एप्लीकेशन है वो वायरस से अफेक्टेड है, आपके स्मार्टफोन का डेटा लीक कर रही है। तो आप देखते हैं कि प्ले स्टोर किन किन एप्लीकेशन को और रिमूव करता है। तो हो सकता है आप भी अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं, कोई ऐसी ऐप यूज करते हैं जो आपके काम की नहीं है, तो फटाफट से अपने मोबाइल से इंस्टॉल कर दीजिए, हो सकता है वो ऐप भी आपके पर्सनल डेटा चुरा रही है। दोस्तों, मेरे सामने अगला अपडेट निकल के आता है वो भी Xiaomi की तरफ से। दोस्तों, Xiaomi ने एक नया ब्राउजर लॉन्च किया जिसका नाम है मिंट ब्राउजर। ये एक लाइटवेट ब्राउजर है और ये ब्राउजर सभी एंड्रॉइड यूजर यूज कर पाएंगे। समथिंग 11 MB का ये ऐप है मिंट ब्राउजर। और इसके कुछ फीचर की हम बात करें तो इसके अंदर एक डार्क मोड थीम दी गई है, जो अगर आप अंधेरे में ब्राउजिंग करते हैं तो काफी अच्छी बात है, डार्क मोड को आप इनेबल कर पाएंगे। इसके अलावा वॉइस सर्च का इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है, वॉइस रिकॉग्निशन जो गूगल असिस्टेंट का जो फीचर होता है वो इसके अंदर इंप्लीमेंट किया गया है। तो मिंट ब्राउजर एक नया ब्राउजर आया है मी की तरफ से, देखते हैं कैसा काम करता है, कैसा पॉपुलर होता है। प्ले स्टोर के ऊपर ये अवेलेबल हो चुका है, समथिंग 11 MB का ऐप है, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे सामने अगला अपडेट निकल गया था पबजी की तरफ से। दोस्तों, पबजी ने बैन कर दिए हैं 30,000 अकाउंट। अब वो क्यों इन्होंने बैन किए, वो बैन इन्होंने इसलिए किए क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, चीटिंग के जरिए
पबजी गेम को खेलते हैं, यानी कि उसके अंदर चीट कोड वगैरह तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ चीटिंग करके पबजी गेम को खेलते हैं। तो जब टीसेंट गेम बडी को इसके बारे में पता चला कि कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं पबजी गेम के अंदर, या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN का यूज़ करके पबजी गेम को खेल रहे हैं, तो उन्होंने लगभग 30,000 अकाउंट को बैन कर दिया। वो जो अकाउंट यूज़र हैं वो पबजी गेम को नहीं खेल पाएंगे। अगर वो पबजी गेम खेलना चाहते हैं तो उनको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और पूरे पबजी गेम को शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 30,000 अकाउंट टीसेंट गेम बडी ने अपने पबजी मोबाइल से बैन कर दिए हैं, उनको रिमूव कर दिए हैं। हो सकता है आपका भी इसके अंदर नंबर आ गया हो, तो कभी भी अगर आप पबजी खेलते हैं तो चीटिंग मत कीजिए, VPN का यूज़ मत कीजिए, हो सकता है आपका अकाउंट भी बैन कर सकता है टीसेंट गेम बडी। दोस्तों लास्ट न्यूज़ वो न्यूज़ आ रही है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों सैमसंग का एक नया स्मार्टफोन के कुछ लीक सामने निकल गए हैं और स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी A10। और उन लीक के मुताबिक ये पता चला है कि जो सैमसंग गैलेक्सी A10 होगा वो होगा सैमसंग की तरफ से आने वाला पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसकी डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का इसके अंदर यूज किया गया है। अभी कुछ लीक हैं तो लीक के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन लीक के मुताबिक ये पता चल रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी A10 जो स्मार्टफोन होगा सैमसंग का, वो पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज करेगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट। उम्मीद करता हूं ये न्यूज और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग टेक्नोलॉजी से अपडेट रह सकें। मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रोजाना टेक्नोलॉजी वाले अपडेट जो होते हैं, टेक्नोलॉजी न्यूज होती है, वो डालता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।